सूर्य सिद्धांत के 114वें भाग में अब हम विक्षेप और मध्यवलन उनका अंकन अर्थात उसमें परिलेख में इनका चिन्हित करने की जो विधि है उसके बारे में दो श्लोकों के माध्यम से देखते हैं। यह है सूर्य सिद्धांत का 114वां भाग और वर्तमान में हम छेद्य का अधिकार में हैं। आकाश में दिखने वाला ग्रहण, गणित से साधन किया गया वह ग्रहण कैसे दिखता है उसका एक चित्रण हम जमीन पे कर रहे हैं, उसी को आचार्य परिलेख नाम दिया हुआ है। नित्यशोर्कस्य विक्षेपाः परिलेखे यथा दिशं विपरीताः शशांकस्य तद्वशाद् अधमध्यमं वलनं प्राङ्मुखं देयं तद्विक्षेपैकता यदि भेदे पश्चान्मुखं देयमिन्दोर्भानोर्विपर्ययात्। ये हैं छेदिकाधिकार के 8वां और 9वें श्लोक। नित्यशोर्कस्य विक्षेपाः परिलेखे यथा दिशं विपरीताः शशांकस्य तद्वशादथ मध्यमम्। विक्षेप का जो दान है अर्थात विक्षेप का जो अंकन है, परिलेख में विक्षेप को जो चिन्हित करना है, उसकी बात तो पिछले भाग में आ चुका है, किंतु वहाँ पर आचार्य ये नहीं बताया है कि विक्षेप को किस दिशा में देना है। वहाँ आचार्य केवल ये बताया है कि किस स्थान से विक्षेप का चिन्हन करना है। तो नित्यशोर्कस्य विक्षेपाः, नित्यशः अर्कस्य, सूर्य के विक्षेप, सूर्य का कोई विक्षेप होता नहीं है। तो आचार्य का सूर्य का विक्षेप कहने का तात्पर्य क्या है? सूर्य ग्रहण में विक्षेप, क्योंकि चंद्रमा तो उभयनिष्ठ है, दोनों ग्रहणों में चंद्रमा है, एक जगह ग्राहक के रूप में और एक जगह ग्राह्य के रूप में। तो अर्कस्य विक्षेपाः, जो सूर्य के जो विक्षेप अर्थात सूर्य ग्रहण में चंद्रमा के जो विक्षेप हैं उनको क्या करना है? परिलेखे नित्यशः, नित्यशः यानी सदा, हमेशा, यानी यदि वह सूर्य ग्रहण है तो वहाँ पर चंद्रमा के जो विक्षेप होंगे उनको परिलेख में, परिलेखे यथा दिशं देयम्, देयाः विक्षेपाः, नित्यशः अर्कस्य विक्षेपाः परिलेखे यथा दिशं देयाः। तो वो पिछले भाग में बताया गया विक्षेप दान का यह पूर्ति है, यह वाक्य अर्थात यहाँ पर आचार्य दिशा भी बता दिया है। यदि सूर्य ग्रहण का परिलेख हो तो विक्षेप जिस दिशा का मिला है उसी दिशा में अंकित कर लीजिए। विपरीताः शशांकस्य, और चंद्र ग्रहण में, चंद्रमा का जो ग्रहण होगा वहाँ पर जो चंद्र विक्षेप होंगे उनको विपरीत देना है, अर्थात यदि प्राप्त विक्षेप उत्तरी विक्षेप हैं तो दक्षिण में देना है और दक्षिणी विक्षेप हैं तो उत्तर में देना है। अब शशांकस्य विपरीताः विक्षेपाः देयाः, यहाँ पर तद्वशाद् अधमध्यमम् ये अगले श्लोक के साथ आएगा, इसलिए यहाँ पर केवल इसको वर्ण बदल कर छोड़ दिए हैं। अब है यह अगला श्लोक 9वां, वलनं प्राङ्मुखं देयं तद्विक्षेपैकता यदि भेदे पश्चान्मुखं देयम् इन्दोर्भानोर्विपर्ययात्। यहाँ पिछले श्लोक में हम जो छोड़ दिए उसको पहले लेते हैं। आधा मध्यमम वलनम तद्वशात, आधा अब मध्यम वलन, क्योंकि हम वलन दान के संदर्भ में केवल स्पार्शिक और मौक्षिक वलन लिए थे, अब आया है एक मध्यमम वलनम अर्थात मध्य ग्रहण कालिक वलन, मध्य ग्रहण जिस समय का है। आप ग्रहणाधिकार में पढ़ चुके हैं,
स्फुटतिथ्यवसाने तो मध्य ग्रहणमादिशेत। तो तिथि के जो अवसान माने तिथ्यंत जो होता है यानी अमांत और पूर्णिमांत, तो उसी बिंदु पे मध्य ग्रहण होता है। तो उस समय का अमांत कालिक और पूर्णिमांत कालिक समय का जो वलन है उसको यहाँ पर मध्यम वलन कह रहा है आचार्य। तो उसको तद्वशात, तद्वशात यानी उसकी जो दिशाएं होती हैं उनके हिसाब से कैसे अंकित करना है वैसे ही अंकित करना है, किंतु कैसे यहाँ पर स्पार्शिक के लिए दिशा स्पष्ट है, मौक्षिक के लिए दिशा स्पष्ट है, क्योंकि एक पूरब की ओर होगा और एक पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर मध्यम वलन को कैसे देंगे, तो आचार्य कह रहे हैं विक्षेपयोहो एकता यदि विक्षेप तद्विक्षेपैकता यदि करके जो दिया है, विक्षेपयोह एकता चेत प्रांगमुखम देयम। तो वो जो पूर्वार्ध जो हैं परिलेखन के जो पूर्वार्ध हैं तो पूर्वार्ध में देना है किसको, विक्षेप को। भेदे माने यदि विक्षेपों में भेद हैं तो फिर कहाँ देना है, पश्चान मुखम पश्चिमार्ध में देना है। तो ये किनके किनके, इन दो हो, ये चंद्रमा के हैं, इन दो हो चंद्रमा के लिए इसे देना है। अर्थात यदि विक्षेपों की एकता है तो पूरब की ओर, और यदि विक्षेपों में एकता नहीं है तो पश्चिम की ओर देना है। इंदो हो चंद्रमा के लिए ये बात है, भानो हो विपर्ययात, यदि वह सूर्य का है तो वह विपर्यय हो जाएगा। अर्थात विक्षेपों में एकता है तो पश्चान्मुख हो जाएगा, और विक्षेपों में भेद होगा तो प्रांगमुख हो जाएगा। तो एक बार बहुत वृत्त बहुत रेखाएं होने के कारण जटिल भी लगता है और स्मृति पथ में रहने में समय भी लगता है। हम तीन वृत्त बनाए हैं, वलनाश्रित समासाक्ष्य और ग्राह्य वृत्त। वहाँ पर हम मध्य सूत्र से इस वलनाश्रित वृत्त में स्पार्शिक वलन और मौक्षिक वलन इनका हम अंकन कर चुके हैं। जैसे चंद्र ग्रहण के लिए स्पार्शिक यथा दिश माने जो दिशा प्राप्त हुआ उसी में होगा और मौक्षिक विपरीत होगा, और सूर्य के लिए स्पार्शिक विपरीत होगा और मौक्षिक यथा दिश होगा, ये बात हम कर चुके हैं। तो यह मुख्य रूप से हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बिंदु जहाँ पर हम वलन का चिन्ह कर रहे हैं, फिर उसके बाद जहाँ पर हमारे लिए वलन बिंदु आए थे, वलन बिंदु को हम जहाँ चिन्हित किए हैं उस वलन बिंदु से मध्य केंद्र तक, मध्य बिंदु तक सूत्र बनाना है। यह सूत्र जो बीच वाला जो वृत्त है, जो समासाक्ष वृत्त जिसको जहाँ स्पर्श करता है उस स्थान से विक्षेप का अंकन करना है। पहले के भाग में ये बात हुई थी, विक्षेप का अंकन वलन बिंदु से मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा जहाँ पर स्पर्श करता है वहाँ से अंकित करना है, यह बात हुआ। किंतु वहाँ यह बात नहीं हुआ था कि किस दिशा में करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आचार्य आठवें और नौवें श्लोक में, आठवें श्लोक में उस विक्षेप के दिशा बताया है और नवें श्लोक में एक नई बात अर्थात मध्यम वलन जिसका पहले परिलेखन में इस बिंदु से पहले चर्चा नहीं किया था उसको ले आए हैं। और यह मध्यम वलन की आवश्यकता मध्य ग्रहण कालिक ग्रासमान के लिए अपेक्षित होता है, क्योंकि हमें ग्रहण के सारी स्थितियां उस जमीन पे जहां पर हम परिलेखन कर रहे हैं वहां पर हमें दिख जाना है, और हूबहू वही दिख जाना है। जैसे आसमान में स्थिति बनेगी वो स्थिति हमें आंखों के सामने नीचे दिखना है।
केवल आचार्य कुछ परिस्थितियों को चंद्रमा और सूर्य में विपरीत करने के लिए कह रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, उसको हम मिरर इमेज कहते हैं। यानी आसमान में जो चित्र बन रहा है, तो उसका जब नीचे हम चित्र बनाएंगे तो वहाँ दाएं को बायां, बायां को दायां करना पड़ता है। किंतु ये स्थिति दोनों ग्रहणों में नहीं होती है। उसका वास्तविकता क्या है? तो एक स्थान में ग्राह्य ग्राहक एक ही वृत्त में होते हैं, वो है चंद्र कक्षा, और दूसरे स्थान में ग्राह छादक और छाद्य दोनों के अलग अलग कक्षा होते हैं। और इस कारण से यही एक बहुत बड़ी कारण है जहाँ पर आचार्य जो उसी दिशा में अथवा विपरीत दिशा में जो कह रहे हैं, ये इस प्रथम आवृत्ति के बाद जब हम विश्लेषण में पहुँचेंगे, अध्ययन में, तो वहाँ यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले भाग में।